कि जाने न नजर पहचाने जिगर। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको नजर नहीं देख सकती लेकिन जिगर, जिगर कहो या बुद्धि से कहो, हाँ पहचानी चीज तो बुद्धि से जाती है ना, तो आ बुद्धि पहचानती है अथवा बुद्धि से जाना जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी चीज है हमारे जीवन लाल जी? परमात्मा। हमारा परम पिता परमात्मा जो इस आंखों से नहीं देखा जाता लेकिन बुद्धि से जाना तो जाता है ना, पहचाना तो जाता है ना, तो ऐसी चीज आत्मा भी ऐसी चीज है हा? हम भी ऐसी चीज है, आंखों से नहीं देखी जाती है लेकिन बुद्धि से जानी जाती है। तो परम पिता परमात्मा और हम आत्मा ऐसी चीज है कि जिसको आंखों से नहीं देखा, आत्मा को भी आंखों से थोड़ी देखा जाता है लेकिन बुद्धि से जाना जाता है कि हाँ हम आत्मा है और सुसी परम पिता परमात्मा की संतान है, ठीक है ना। अभी बाप ने बैठकर करके ये बुद्धि भी उसको पहचानने की राइट बुद्धि भी अभी उसने दी है, आत्मा ने बुद्धि नहीं दी है, इसीलिए आत्मा की भी पहचान परम आत्मा ने दी है, इसीलिए पहचान देने वाला वो बाप हो गया। क्योंकि आत्मा आत्मा को न आत्मा की पहचान न परम आत्मा की पहचान दे सकती है, क्यों बला, इसका भी कारण क्या है, क्योंकि हम सब आत्माएं जो है ना, हम सब अभी अनएजेड अथवा तमोपरधान लॉस्ट स्टेज पर है। तो ये भी सृष्टि का जो चक्कर है ना, कि रात को भी समझना है कि ये सभी आत्माओं का लॉस्ट स्टेज है, सब का है। इसी समय कोई भी नहीं कहेंगे या कोई आत्माएं पवित्र है, भले कोई अच्छी आत्माएं है जिसको आज जो पाप आत्माएं है उसके भेद में उनको पवित्र कह सकते हैं, लेकिन पवित्रता की जो कंप्लीट स्टेज है ना उसके भेद में नहीं कहेंगे कि हाँ वो जो कंप्लीट स्टेज की पवित्रता है वो अभी नहीं है। इसीलिए पवित्रता जिस चीज को कही जाती है उसका मतलब ये है कि कोई भी पांच विकार माया का बंधन न हो। लेकिन अभी सभी आत्माओं को बंधन तो है नहीं, मानो मिसाल तौर कोई सुनने वालों में ये विचार भी उठ सकता है, भाई आज बहुत अच्छे सन्यासी साधु कई हैं, भाई पवित्र गिने जाते हैं, हाँ जो बेचारे एकदम हाँ जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है परमात्मा को, जिनके कोई कर्म ही अच्छे नहीं है, उनके भेद में तो फिर भी अच्छे कहेंगे जरूर, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु फिर भी जो पूर्ण पवित्रता की स्टेज है उसके भेद में तो कहेंगे ना, क्यों कि देखो आज सन्यासी हैं भला फिर क्या, शरीर को रोग होगा तो ये भी तो कोई कर्म का हिसाब है, तो समझेंगे उनके आत्मा में विकारी दुनिया के इसका भी कोई अभी कर्म का हिसाब है, या कोई भी फिर भी शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म, तो विकारी दुनिया में जो भी है ना, भले पवित्र आत्माएं भी है परंतु कहेंगे कि वो आत्माएं सब जो है वो है अपवित्र। अपवित्र किस भेद में, कि हाँ कुछ न कुछ अपवित्रता का उनमें है कर्म का हिसाब, जब ही है तभी तो फिर यहाँ है नहीं अपवित्र दुनिया में, तो फिर कुछ शरीर को होगा, या शरीर छोड़ेंगे तो फिर भी विकारियों के घर में जन्म लेंगे ना, कहाँ जाएंगे है? जन्म लेने के लिए तो जरूर कोई या विकारों से ही जन्म लेंगे, विकारी कुल में जन्म लेंगे, तो ये भी तो सब कोई हिसाब किताब है ना, तो कहेंगे ना विकारी संबंध का कोई हिसाब किताब है। तो ये सभी बातें समझाती हैं कि अभी सब जो भी है ना सब आत्माएं कहा जाएगा तमोपरधान। बाकी हाँ पवित्र आत्माएं जिन्हों की भी है हमारे पास हिस्ट्री कि भाई देवताएं, वो न शरीर हाँ विकारवश, न शरीर विकारवश लेते थे, न कोई जीवन में विकारों के कर्म का हिसाब किताब भोगते थे, तो उसके पास कोई विकारी खाते की भोगना नहीं थी ना, तो वो आत्मा भी पवित्र
शरीर भी पवित्र। हाँ, सन्यासी साधु कहेंगे उनकी आत्मा कुछ पवित्र जरूर है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, क्योंकि शरीर फिर भी विकारी बीज का, और फिर भी उसी कारण कुछ न कुछ रोग आदि रहता है, तो कोई कर्म का हिसाब है ना। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि इस समय कंप्लीट जो पवित्रता है ना स्टेज, वो कोई की भी नहीं कही जा सकती है। इसीलिए बाप कहते हैं वो जो स्टेज है पवित्रता की, जिसमें सदा सुख, कोई भी विकारी खाते का हिसाब किताब हो गई नहीं, ऐसी जो स्टेज है ना वो मैं आकर के बनाता। इसीलिए कहते हैं उसकी परिचय और ऐसी स्टेज बनाना, ये भी मैं आत्मा को सिखाता हूँ, और मेरा भी जो परिचय कि मेरे से तुम क्या पावर लियो, वो भी मैं आकर करके समझाता हूँ। तो मैं अपना परिचय बाप कहता है, और तेरा परिचय कि तेरी कंप्लीट स्टेज कौन सी है, उसको कैसे प्राप्त करो, ये दोनों ही बातें मैं समझाता हूँ। यानी तेरा भी परिचय मेरा भी परिचय बाप कहता है, तो दोनों का परिचय मैं दे सकता हूँ। बाकी आत्मा कंप्लीट नहीं दे सकती है न कंप्लीट बना सकती है। तो ये सभी चीजें भी समझने की है ना, इसीलिए कहते हैं मेरा परिचय मैं आकर के देता। तो अभी देखो परिचय, बाप भी परिचय देता है, नॉलेज देता है। बाकी ऐसे नहीं कि हाँ हम देखें, जैसे कहीं आश रखते हैं ना कि हम उसका साक्षात्कार करें देखें, तो बाप कहते हैं कि नहीं, आंखों से, इस आंखों से तो देखने के लिए चलो, भले दिव्य दृष्टि से देखो भी, परंतु फिर भी क्या होगा, देखा पर तो उसका परिचय चाहिए ना। हा? हम अगर कोई चीज ये रखा है हमारे आगे, हम देख रहे हैं, लेकिन हमको इसका नॉलेज नहीं होगा, तो ये भाई क्या करने की, इसमें आवाज भरना है या पता नहीं ये कुछ है, ऐसे ही देखने का कोई यहाँ कुछ है या क्या कर, कुछ मालूम ना हो, उसका ज्ञान ना होगा तो काम में आ सकेगी चीज, आएगी नहीं। इसका नॉलेज चाहिए, ये कैसी यूज की जाती है, इसे क्या फायदा लेना होता है, ये कैसे काम की चीज है, ये क्या है। जब ज्ञान होगा उस चीज का, तभी हमारे पास उसकी वैल्यू है। तो परिचय नॉलेज, बाकी देखने से तो कोई यहाँ ऐसे नहीं है कि देखने से बस हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं मेरे भी देखने से क्या, मेरे देखने के बाद भी तुमको उस चीज का ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान माना ही परिचय, नॉलेज, समझ। ये सारा मदार हो गया नॉलेज के ऊपर, परिचय के ऊपर। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अपना पूरा पूरा परिचय नॉलेज दे रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य, मेरा नाम, मेरा रूप, मैं किस धाम का निवासी हूँ, तुम भी किस धाम की निवासी हो, कहाँ से आती हो, और तेरा भी कैसा स्टेज बाय स्टेज ये सारा चक्कर है वो बैठकर करके समझाता। तो अभी तेरा भी चक्कर चढ़ती कला पूरा हुआ, अभी उतरती कला भी पूरा होने पर है, अभी फिर चढ़ती कला की वारी है। तो उतरती कला, चढ़ती कला, ये सभी हिसाब समझने हैं। चार युगों में दो युग है चढ़ती कला के, दो युग है उतरती कला के। उत्तरती कला को भक्ति मार्ग कहेंगे, और भक्ति मार्ग में जब शुरू होता है तो वो उत्तरती कला भी शुरू होती है, इसीलिए उत्तरती कला शुरू होती है तो उसको कहेंगे तो सही ना उत्तरती कला। तो भक्ति मार्ग साइड हो गया उत्तरती कला, और वो हुआ गया चढ़ती कला। तो ये हिसाब है सारा चक्कर का, इसमें भी किसी को मूंझने की बातें नहीं है कि नहीं भाई भक्ति उतरती कला कैसे, नहीं, ये भी समझना है कि भाई गति, सदगति और दुर्गति, तीन स्टेजेस है आत्मा की। गति किसको कहेंगे, ये आते हैं जो रोज समझते हो, गति किसको कहेंगे। अच्छा पूछे पैसे शेर जी आप बताइए गति माना जी, जी नहीं, अभी गति किसको कहेंगे, चलिए जी हम पूछते हैं, देखे पूरा पूरा ख्याल में आए हमारे शंख जी बताओ, गति मुक्ति को, मुक्ति माना वैकुंठ में जाना, स्वर्ग में जाना, अच्छा अच्छा चलो। और हमारे 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 ये तो रोज नहीं आते, हमारे वेंसी लाल आते रोज, आप बता सकते हैं जीवन में नहीं आवे उसकी गति हो गई। अच्छा अच्छा और कौन है, देखे माताओं में से पूछे, देखे देखे हमारी सीता आप बताइए गति माना पुराने सही होते हैं इसने तो काम ही पूरा कर दिया। अच्छा
हमारी राधे आप सुनाइए गति का माना। वो तो ठीक है, तो गति किसको कहते हैं? गति और सदगति में कुछ फर्क है? शांति धाम में बैठना उसको गति कहते हैं, और सदगति। अच्छा, तो सदगति माना जीवन में आकर करके जो हमारी सतयुग की स्टेज है, जीवन में मुक्त यानी जीवन में दुख से मुक्त, और गति माना दुख और सुख से मुक्त। जहाँ हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, ये जो हमारे वेंसीलाल नाम है ना, इसने कहा कुछ ठीक कि गति माना जो जीवन से मुक्त, यानी जब आत्मा अभी पाठ में नहीं आई है। वो सदा नहीं होता है ऐसा कि सदाएं कोई आत्माएं जो है वो पाठ में नहीं आती है, उसको आना है, पर तो कुछ टाइम नहीं आती है। हर एक आत्मा का आपको कल भी बतलाया था नहीं हमारे रामचंद्र जी कि कुछ टाइम वो आत्माएं वेट करती हैं, जब तक नीचे पाठ हो। तो जब तक पाठ नहीं है नीचे, ऊपर है आत्मा निराकारी दुनिया में, तो उसको कहेंगे गति। गति माना दुख सुख से न्यारी। और फिर जब सुख में आती है, यानी आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, जिसको स्वर्ग कहते हैं, गति को स्वर्ग नहीं कहेंगे। गति है साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम निराकारी दुनिया, उसको निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे। वो माना आत्मा दुख सुख से न्यारी होकर के जब तक पाठ नीचे नहीं है तब तक वेट करती है, वहाँ है, तो उतना समय उनको गति कहेंगे। फिर सदगति जब जीवन में आती है तो पहली सदगति की स्टेज है, यानी जीवन में मुक्त। उसका मतलब यह है जीवन में दुख के इसी सभी बातों से मुक्त है, तो उसको कहेंगे सदा सुख। तो वो हो गई जीवन मुक्ति की, उसको स्वर्ग कहेंगे। जैसे स्वर्ग की यहाँ की बात है ना, कॉर्पोरियल वर्ल्ड की, तो जहाँ जीवन में आकर करके सदा सुखी, तो उसको कहेंगे स्वर्ग। वो दुख सुख से भी न्यारा, उसको कहेंगे गति। और दुर्गति जो हम फिर जीवन में दुखी, तो जीवन में दुखी को दुर्गति कहेंगे, और जीवन में सुखी को सदगति कहेंगे, और जीवन से जब तक पाठ नहीं है उसको गति कहेंगे। तो ये हर एक आत्मा का पाठ है, कुछ टाइम जितना टाइम वहाँ है, अभी तक नीचे पाठ नहीं है तो वो गति, पीछे सदगति, पहले आते हैं तो सदगति, पीछे सदगति से उनको बहुत जन्म सदगति। हर एक का भी अंदाज है ना पाठ, हाँ कोई बहुत समय कोई कम समय, जैसा कल भी समझाया था ना, कोई सतयुग से कोई पीछे आती है कॉपरेज, कोई कलयुग में पीछे करती है, तो उनका फिर अपना अपना टाइम है, परंतु आना फिर सबको लास्ट स्टेज तक है। तो ये सभी हिसाब समझने का है, तो ये कहेंगे ना पहले सदगति, पहले गति, पीछे सदगति, पीछे दुर्गति। तो ये सभी का ऐसा चक्कर लास्ट में सब आकर करके दुर्गति में पहुंचती है। पीछे भले उसकी स्टेज में फर्क है, कोई दुर्गति में भी कुछ अच्छे है, कोई दुर्गति में बहुत नीचे है, पर तो कहेंगे तो अभी सब जो है ना ये विकारी माया के बंधन में सब है, कोई थोड़ा है कोई बहुत है। जैसे सन्यासी साधु भले चलो उसकी आत्मा कुछ है पवित्र है, पर तो फिर भी माया का बॉन्डेज तो है ना, कुछ ना कुछ है, भाई शरीर को रोग होता या कोई भी कर्म का, बैठे हैं इस विकारी दुनिया में तो माना विकारी दुनिया का कुछ ना कुछ खाता जरूर है, तो इसको कहा जाएगा विकारी बंधन में यानी दुख के बंधन में, तो दुख का खाता कुछ ना कुछ है। तो ये सभी चीजें जरा थोड़ी समझने की है कि ये सारी सृष्टि का भी जो नेम है ना, तो कैसे फिर चढ़ती कला, फिर ये उतरती कला, अभी उतरते 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 सभी जो आत्मा है ना अभी लास्ट स्टेज में, इसीलिए इसको कहेंगे अभी दुर्गति में। तो जब भक्ति शुरू होती है, जब दुर्गति का टाइम शुरू होता है, तो टाइम शुरू हुआ ना, फिर वो टाइम चलता चलता चलता, देखो द्वापर काल से भक्ति शुरू होती है, द्वापर काल से ही माया का आना शुरू होता है। सतयुग त्रेता में माया नहीं है, यानी पांच विकार पीछे माया आती है, तो मानो दुर्गति शुरू होती है, तो दुर्गति शुरू होती है और उसकी एंड होती है। तो ये टाइम कहेंगे कि भक्ति के आधार से कुछ न कुछ मनुष्य चलते रहते हैं, परंतु ये टाइम ही है द्वापर से फिर कलयुग होना, तो कहेंगे ना दुर्गति का टाइम है। तो इसी हिसाब से कहा जाता है ये भक्ति, तो वो साइड ही है, दो युग जो है द्वापर और कलयुग वो दुर्गति की है, और सतयुग और त्रेता जो है ना वो सदगति की है। तो ये हिसाब समझने का है, इसी में कोई ऐसे नहीं कि कभी कभी हम कह देते हैं ना भाई भक्ति तो दुर्गति, कहीं समझते भाई भक्ति को, तो भक्ति को दुर्गति नहीं, भक्ति का टाइम ही जो है ना वो जब ही दुर्गति का टाइम है तभी हमारा द्वापर से कलयुग होना ही है, तो हमारा उस समय उत्तरती कला का टाइम है, पीछे फिर चढ़ती कला का टाइम आता है, तो सतयुग और त्रेता फिर हम चढ़ते हैं। तो ये हिसाब समझने की है,
ये तो सुझाव में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो सुझाव में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि दो युग चरती कला के, जैसा नार होता है ना, आप लोगों ने वो किंगड़ी का नार देखा होगा, तो नार में आधा साइड जो है ना वो किंगड़ियां भर कर करके ऐसी चढ़ती है, पर आधा समय उतरती है तो किंगड़ियां धीमे धीमे खाली होती जाती है, खाली होकर के लास्ट में बिल्कुल खाली हो जाती है। तो ये भी सृष्टि का एक नार है, चक्कर है, इसको चक्कर में भी लगाया हुआ है ना, तो ये भी चक्कर है, इसी हिसाब से चक्कर है कि ये आधा समय चढ़ती है। अभी देखो हम भर्त हो जाते हैं और भर्त होकर के अभी चढ़ते हैं, अब फिर आधा पापरे से फिर हम उतरना शुरू करेंगे, उतरते उतरते तो भक्ति भी उसी टाइम चलती है, लेकिन हमको वो कला में उतरते उतरते चलना है, सिर्फ थोड़ा भक्ति के सहारे, थोड़ा थोड़ा धीमे, नहीं तो भक्ति भी ना हो ना तो बिल्कुल नास्तक हो जाए, हम बिल्कुल जल्दी उतर जाए, और तो उसके आधार से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा छिमते छिमते, तो ये सभी छिमानेगी, थोड़ी थोड़ी है जिससे थोड़ा पड़ा, तो हम उतरते जरूर है क्योंकि ये दो युग है उतरने का। तो ये हिसाब भी समझना है, जैसे मकान पुराना होना शुरू होगा तो पुराना होता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं ना पुराना नया हो जाएगा, आप नया होगा फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे तब फिर नया होगा, लेकिन पुराना हुआ तो भले उसको थिमाने के लिए मरम्मत भी करेंगे, परंतु मरम्मत से नया तो नहीं हो जाएगा ना, उनको कहेंगे कुछ मरम्मत कर करके उसको थिमाते थिमाते चलाते हैं, तो भक्ति मानो थिमाते थिमाते कुछ न कुछ अच्छे अच्छे कर्मों से कुछ न कुछ, परंतु हाँ है तो उसका पुराना होना तो चलता ही रहेगा ना, ऐसे तो नहीं ना मकान मरम्मत से नया हो जाएगा, नहीं उसकी पुरानी कंडीशन चलती चलेंगी, हाँ फिर जब नया कहेंगे, जब फिर तोड़ कर करके फिर नया बनाएंगे तो उसको नया कहेंगे। तो ये भी हिसाब तो समझने की बातें है ना, तो ये भी सृष्टि का भी हिसाब है, ये सभी बातों को समझना है, इसीलिए इस बातों को भी जितना जितना अभी वहां बैठ कर करके समझाते हैं, तो समझाते रहते हैं कि देखो ये समझने की सब है कि हमारा आधा समय कैसा है, इसीलिए देखो ये सब रंग दिया है, ये कलयुग, ये कॉपर, ये सिल्वर, ये गोल्डन, अभी गोल्डन एंड सिल्वर इसको कहेंगे ये सदगति, और ये है अभी दुर्गति का टाइम, यानी हमारी उतरती कला है, दो युग हम उतरते हैं, तो अभी उतरते 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 अभी देखो फिर अभी गति में जाएंगे, हाँ वापस जाएंगे उसको गति कहेंगे, दुख दुख से न्यारे फिर आएंगे तो फिर सदगति में। तो ये सभी हिसाब समझने का है। तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है, कपड़े से, यहाँ तो सतयुग और त्रेता में भक्ति की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से तो भक्ति शुरू होती है, लेकिन कला को नीचे ही चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भक्ति होने से हम फिर वापस इधर आ जाएंगे सदगति में, नहीं हमको नीचे चलते चलते फिर वापस जाकर करके फिर यहाँ आएंगे, ये चक्कर का नेम है, ऐसे नहीं है जैसे बदला है ना मकान कोई मरम्मत से नया हो जाएगा, नहीं हाँ टेम्पररी कुछ थिमाते परंतु पुरानापन तो चलता ही रहेगा ना, तो ये सभी थोड़ी चीजों को समझना है। इसी तरह से ये सृष्टि का भी एक नार की तरह से, इसको कहा जाता है किंगड़ी का नार, ये भी जो सभी बनाए हुए है ना, देखो कई नार स्वास्तिका के रूप में भी होते हैं, जैसा स्वास्तिका होते है ना, स्वास्तिका देखे ना वो गणेश के पुजारी निकालते हैं, तो ये सारा चक्कर है, तो आधा समय कैसे सुख का आधा समय दुख का, दो युग सुख के है, सुख में भी फर्क है, सतयुग का सुख ऊंचा तो त्रेता में दो कला कम, थोड़ा थोड़ा आस्ते 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 कम, परंतु है सुख का, ऐसे नहीं है कि कम माना उसमें दुख आ जाता है, दुख का नाम निशान नहीं है, फिर त्रेता के बाद में द्वापर से थोड़ा दुख शुरू होता है, तो पहले थोड़ा आस्ते 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 वर्त आ जाता है, कहाँ कलयुग आ करके होता है, तो ये देखो चक्कर में, ये देखा स्वास्थ्य का ये फिर चक्कर में, इसीलिए तो ये नार ऐसा चलता है। तो अभी जो है कि अभी देखो ये अभी उतरती कला जो है ना वो उतरती 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 अभी आकर पूरी हुई है, अभी फिर चढ़ती कला, तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है कि अभी हम उतरती कला के लॉक्स में, अभी हमारी फिर ये चढ़ती कला जिसमें हम अभी चढ़ कर करके अथवा अपनी आत्मा अभी उजी जाती है, तो ये सभी हिसाब को बातों को समझने का है। इसीलिए कहेंगे तो सही ना, जब ये भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भाई उसी टाइम दुर्गति है, यानी मनुष्य की दुख की अवस्था है, दुर्गति का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, माना हमारी जो सुख की स्टेज है वो नहीं है, हमारी दुख की स्टेज है, तो वो टाइम दुख का है, इसीलिए दुख को हम अपना कुछ न कुछ थिमाने के लिए ये थोड़ा बहुत कुछ भक्ति या फलाना इनका कुछ न कुछ उससे अल्प काल की सुख की प्राप्त, तो अल्प काल की हो गई और यहाँ हो गया सदा काल की, जो फिर बाप आकर करके हमारी गति कर करके फिर हमको दो, तो गति और सदगति देने वाला हो गया परमात्मा। तो ये चीजें भी समझने की है, गति माना निराकारी दुनिया में जहाँ आत्माएं जाती हैं, जहाँ न दुख न सुख उसको कहेंगे गति, और फिर सुख में आते हैं तो स्वर्ग कहेंगे,
वैकुंठ स्वर्ग सुख को कहेंगे और हमारी गति निराकारी दुनिया को वैकुंठ नहीं कहेंगे। तो निराकारी दुनिया को वैकुंठ नहीं स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग माना जहाँ सुख है, तो स्वर्ग ही धर है दुनिया में, और वो निराकारी दुनिया उसमें कोई स्वर्ग नहीं कहेंगे। तो ये भी अक्षरों को भी समझना है, स्वर्ग माना निराकारी दुनिया में हम जहाँ आत्माएं जाती हैं वो स्वर्ग नहीं है। तो ये भी हिसाब तो निराकारी साइलेंस वर्ल्ड कहेंगे, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे या सुख की दुनिया में जब यहाँ हम जीवन मुक्त है। तो ये भी सभी बातें समय ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही बात है, गति सदगति एक ही बात है। मुक्ति माना मुक्त यानी पाठ से ही शरीर से ही मुक्त, और जीवन मुक्त माना जीवन में दुख से मुक्त। तो फर्क है ना, वो है शरीर से यानी पाठ ही नहीं है, पाठ से ही मुक्त है तब तलक, और वो है जीवन में दुख से मुक्त, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। और फिर जीवन बंध माना दुर्गति, जो जीवन हमारी बंधा है मानी में कर्म के बंधन के चक्कर में चलती है। अभी देखो कर्म के बंधन के चक्कर में है ना, तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है। तो ये हिसाब है सारा संसार का, हमारे सारे चक्कर का, जिसको जान कर करके बाप कहते हैं अभी देखो तुम्हारा कौन सा अभी स्टेज आने का, अब तो सभी को गति में जाना है यानी मुक्त होना है, अब तो सबका पाठ पूरा होता है, सब गति दुर्गति अभी सब पूरा हुआ, अभी तुमको मुक्त होना है। अर्थात अभी जाना है अपने जहाँ से नंगे आए, नहीं कहते ना नंगे आए नंगा यानी आत्मा है जहाँ से, पहले ये शरीर नहीं था तो अभी जैसे शरीर नहीं था आई थी पहले, अभी शरीर नहीं है फिर वो हो कर करके जाना है। इसीलिए कहते हैं इसे डिटैच हो जाओ, ये देह से देह के सर्व संबंधों से डिटैच हो जाओ, क्योंकि ये अभी शरीर तुम्हारे ये पांच विकारों के हिसाब से बने हुए ना, अभी तो इसे डिटैच हो जाओ। फिर डिटैच होकर करके फिर जो तुम शरीर लेंगे ना वो तुमको फिर सदा सुख के शरीर मिलेंगे। इसीलिए बाप कहते अभी जैसे नंगे आए वैसे नंगे जाना है, यानी प्लेन आत्मा होके जाना है। इसीलिए अभी इससे अपना देह से देह के सर्व संबंधों का अभी बुद्धि हटा। तो ये है उसका फरमान, इसीलिए बाप कहते अभी इसी फरमान को समझ कर करके अब उसी का पुरुषार्थ रखो। तो अभी हमारा पुरुषार्थ जो अर्जुन को भी कहा है ना गीता में, ये अशरीरी हो जा, देखो गीता में भी कहते अशरीरी हो जा। अशरीरी का मतलब है तू असल में आत्मा शरीर धारण करने वाली नहीं, पहले पहले तो तुम अशरीरी थी ना यानी शरीर नहीं था, पीछे शरीर लिया है, तो अभी फिर भी अशरीरी हो जा यानी शरीर से डिटैच हो जा। तो तुम पहले से ही डिटैच हो जाएंगे तो तेरी बुद्धि शरीर से निकल जा करके हाँ अशरीरी अवस्था में रहेंगी, तो फिर अंत मते सो गते ऐसी अवस्था को जाकर के पाएंगे। कहा भी जाते हैं अंत मते सो गते, तो अभी बुद्धि तू वो लगा अंत के मत की कि मैं प्लेन था यानी आत्मा, अभी फिर मुझे प्लेन हो जाना है अर्थात इस शरीर से डिटैच। तो अपनी आसक्ति इस शरीर देह के इससे सब निकाल, काने से ममत निकाल, अपने को अशरीरी समझ, ये मामा काका चाचा बाबा ये देह के संबंध से भी बुद्धि हटा, ये सब से बुद्धि हटा करके मेरे मन को मेरे में लगा। क्यों कहा मन मना भव है, देखो है भी उसमें ना मन मना भव है तो मध्यादि भव है, अर्थात निरंतर मन को मेरे से लगाने से तुम फिर जाकर करके ऐसा जो शरीर है ऐसा जो सुख का है ना वो प्राप्त करेंगे। तो ये सभी हिसाब है करके अभी तुम शरीर भी सुख का कैसे लियो, वो तभी लेंगे कि अभी जब शरीर से डिटैच हो जाएंगे, इस शरीर से डिटैच हो जाओ तो फिर तुमको शरीर पीछे जो मिलेगा ना वो सदा सुख का मिलेगा, क्योंकि ये दुख के होते बंधन से तेरी बुद्धि निकल जाएगी ना। तो ये सभी बेहतर के नॉलेज आप समझाते हैं कि अभी तुम्हारा क्या स्टेज है। तो इन्हीं सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझने, ये समझने की नॉलेज है जिसको समझना है बात में, बाकी किसी को कहना नहीं है। ऐसे भी हम देखो बहुत यहाँ हम कहते भी हैं कि कभी भी किसको ऐसे मत कहो कि हाँ भाई ये भक्ति मत करो, हाँ नहीं ऐसा किसको कभी नहीं, ऐसे भी ना हो बेचारा भक्ति भी छोड़े जान भी न ले सके तो नास्तक हो जाएगा। हाँ तो किसको नास्तक थोड़ी बनाना है, नहीं नास्तक से तो फिर भगत अच्छा, परंतु हाँ फिर भी कहा हुआ है ना भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु किसको ऐसा नहीं कहना है ये तुम भक्ति न करो, क्योंकि हाँ बुरी बात किसको कहेंगे भैया ये क्रोध मत करो ये विकारों में मत जाओ, हाँ वो तो बुरी बात है ना, तो बुरी बात के लिए हम चुरा सकते हैं, बाकी अच्छी बात क्यों चुराए। हाँ जब इस समझ आ जाएंगी ना अपने आप इस अच्छाई से ये अच्छाई श्रेष्ठ है, जब उसको पकड़ेंगे तो आप इसे छोटे बचपन की जो है ना बातें वो अपने आप छूट जाए, जैसे बच्चा होता है ना तो छोटेपन में खिलौने से खेलेगा, हाँ पर समझ आती जाएंगी तो वो छोटेपन के खेल पास अपने आप छूट जाएगा। तो हमारे में देखो ज्ञान नहीं था
तो हमारे में भी ये छोटा पनता, हम वही ठाकुर खिलौने फलाने, हाँ ये भगवान के लेकर के उसको कपड़ा पहनाना खिलाना ये करना, जैसे बच्चियां होती है ना गुड़ियों का खेल करती हैं, तो जैसे यहाँ नहीं ज्ञान था तो ये था, अभी समझ आई है तो हम कहते हैं हम खुद चैतन्य में प्रैक्टिकल में देवता बने ना, अभी खाली थोड़ी है कि उनका हाँ वो बुत लेकर करके उनको बैठ कर करके उनकी करे, वो तो जैसे गुड़ियों का खेल हो गया, तो उसको कहते हैं आइडल परस्त, अंग्रेजी में भी कहते हैं, तो कहते हैं खाली आइडल परस्त नहीं, अब प्रैक्टिकल चैतन्य में तुम देवता बनो। तो ये है कि जब वो स्टेज बने ना तब अपने आप को छूट जाएगी, बाकी किसको कहना नहीं है कि ये ना करो, फिर भी अचा जा करके कोई बुराई काम करे उसे तो अच्छा है नहीं, फिर भी भगवान का किसी न किसी तरीके से उल्टा की सीधा फिर भी कुछ ना कुछ उसका बैठ करके करता है, तो नास्तक से तो अच्छा है ना, किसी बुरे काम करने से तो अच्छा है ना, इसीलिए कभी भी किसको ऐसा नहीं कहना है कि ये भक्ति छोड़ो इससे तो कुछ नहीं है, नहीं हम कहते हैं ऐसा कभी भी समझाने में ये बहुत समझाया जाता है कि कभी भी किसको भक्ति छुड़ानी नहीं है, तब तक वो अपने आप समझ में जब आएगा ना तभी हमारा वो छोटेपन की बातें जो है ना वो अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि समझ आ गई तो अभी हमको कौन सा कर्म करना है, हमारा कर्म है अपने जीवन को बनाना दूसरों के जीवन में बनाना, हाँ वही टाइम अगर हम किसके जीवन को बनाए चैतन्य में उसको प्रैक्टिकल देवता बनाए तो वो श्रेष्ठ काम है ना, तो वो जब समझ आएंगी तो अपने आप आ जाएंगी ना, बाकी किससे वो छुड़ाना बेचारा, वो भी काम ना कर सके और वो भी छोड़ देवे तो नाशक हो जाएगा ना, इसीलिए कभी भी किससे ऐसा नहीं छुड़ाने का। हाँ बाकी विकारों के लिए तो कहेंगे ना भाई ये गंध है इसे तुम्हारा विक्रम बनेगा, हाँ इसको छोड़ो, बाकी भक्ति के लिए किसको नहीं कहेंगे कि छोड़ो, वो तो जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी ना वो अपने आप जो कुछ छोटेपन के है वो छोटापन छूटता जाएगा, जैसे बच्चे का छोटापन जितना जितना समझ में आता जाएगा उतना उतना छोटापन अपने आप छूटता जाता है, तो ये भी सारी चीजें समझने की है, इसीलिए ये भी सब बातें अपने पास रखने की है। अब ये तो सब हुआ ज्ञान, हाँ जो बुद्धि में रख करके अपने ज्ञान से अपने को कैसे ऊंचा रखना है और अपने कर्मों को कैसा अच्छा बनाना है, लेकिन फिर अपनी धारणाएं भी तो अच्छी करने की है ना, हाँ ऐसे नहीं है खाली हमको पंडित बनना है, हाँ खाली दूसरों को बैठे कहने का है नहीं, ये तो हमको अपनी प्रैक्टिकल जीवन के ऊपर भी अटेंशन देना है, तो हमारी धारणाएं भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होना चाहिए। हम कहते हैं हम पांच विकारों को जीतते हैं, अभी बाप आया है और हमको आकर करके पांच विकार यानी माया के ऊपर जीत पे रहते, माया माना विकार, माया कोई शरीर तो नहीं है ना, माया कोई ये जो हम आंखों से देखते हैं या धन संपत्ति उसको माया नहीं कहेंगे, माया माना विकार, धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थी परंतु विकार नहीं थे, तो उसकी माना उनके पास माया नहीं थी, पर है नहीं कि धन संपत्ति नहीं था, धन संपत्ति तो थे, तो धन संपत्ति को माया नहीं कहेंगे, तो ये तो अभी बातें समझी है ना, तो हमको छोड़ना है विकारों को, तो अभी उसी विकारों पर अटेंशन होना चाहिए कि हमारे में कोई तो ऐसा नहीं है भूत, हाँ ये भूत है ना, हाँ तो ये है भूत एकदम, तो अभी इन भूतों को निकालना है। तो देखो अभी काम जीतना वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो ब्रह्मचर्य का भी बहुत पालन ऐसे भी करते हैं, भले ही यहाँ ज्ञान में नहीं आते हैं, बहुत है जो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो तो गांधी जी का भी ये एम था, बहुत अभी गांधी जी के भी जो है मानने वाले वो ब्रह्मचारी रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे से मिलते हैं ना वो कहते हैं हम गांधी के समय से ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसे तो बहुत है जो अपने को ब्रह्मचर्य, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साथ साथ दूसरे विकारों के ऊपर भी अटेंशन तो देना है ना, तो देखो क्रोध अभी ये भी बहुत भारी भूत है, क्रोध को भी जीतना है ना, अभी क्रोध ये भी तो देखो हम अपना भी हानि करते हैं, अपना भी जी जलता है दूसरों का भी जी जलाते हैं, होता है ना इससे होता है, तो ये भी है एक दुख को दुख देना, तो एक दुख होता है लाठी मारना किसको खून करना हा? कर्म से, परंतु ये क्रोध भी वचन से हम को वचन कोई बोलेंगे या किसको कुछ ऐसा उल्टा उल्टा कहेंगे तो वो भी हमने किसके ऊपर जैसे वो हाथ से लाठी मारनी है ये मुख से लाठी मारनी है तो ये भी तो विक्रम हो गया ना, तो हमको अपने वचनों के ऊपर भी बोल के ऊपर भी अटेंशन देना है कि हमारा बोल किसी को कोई दुख तो नहीं देता है। तो एक है हाथ से भाई मैंने मारा थोड़े, मैंने खून थोड़े किया, मैंने कोई पाप थोड़े किया, परंतु ये जो वचन से या जुबान से किसको मारा किसको दुख दिया तो ये भी तो दुख हो गया ना, तो इसी का भी तो हमारे पर पाप चरा, इसीलिए हमको कोई ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे किसको दुख हो, अपने तरफ से अपने को कोशिश में रखना है कि कोई हाँ कोई बेसमझी से किसमें दुख है हमारे कोई बात को न समझे वो दूसरी बात है, लेकिन हम जिसको कहें क्रोध जो आकर के उसमें हमको वचन बोले वो तो बात नहीं होनी चाहिए ना, और भले कोई हमारे पर कोई भी अपकार करे लेकिन हमको अपकारी के ऊपर
उपकार करना है। हमारा काम क्या है, कहते नहीं कर भला तो हो भला, ये कहावत बहुत कॉमन है कि कर भला तो हो भला। हम किसका भला करेंगे तो हमारा भला होगा, इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा। इसीलिए ऐसा अपकारी के ऊपर उपकार करना ये धारणा होनी चाहिए, और किसी के प्रति भी हमको कोई कुवचन या कोई भी ऐसा बात बोलना, हमें इस जुबान के ऊपर बहुत भाषा अपना जो कहना है वो सरल रखना चाहिए। ऐसी कोई नहीं है कि कम ज्यादा जैसे आवे वो बोल देवे, नहीं उससे कोई दूसरे को नुकसान हो जाए या कुछ उसको, तो देखो उसके नुकसान का हमारे को भी लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि फायदा भी हमको मिलता है, कोई से हम अच्छी करते हैं सर्विस तो भाई उसका फायदा मिलता है, तो कोई डिससर्विस करेंगे तो किसको हानि पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान भी तो मिलेगा ना, कि नुकसान नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये भी सभी चीजें हैं जिसमें हमको बेहतर करके हर बात में समझ, अपने एक एक अक्षर के ऊपर बोल के ऊपर अटेंशन देना है कि मेरे बोल से कोई को दुख तो नहीं पहुंचा। इसीलिए अपने बोल के ऊपर, अपने इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन, तो इसको कहेंगे ये सभी भी जीतना है ना। तो नहीं ऐसे क्रोध में टेम्पर लूज हो करके या हम किसी के लिए कुछ भी या कह दे या किसको कोई या दुख की बात पहुंचा दे, नहीं अभी तो नॉलेज है नहीं, समझ मिली है। तो ये सब जो यहाँ आते हो, क्योंकि आते हो आप लोगों को शिक्षा ले रहे हो, तो हक है सभी बातों का समझाने का, तो भाई ये सभी चीजें धारणाओं में रखने की है। तो यही बातों के लिए तो यहाँ आते हो ना, बाकी ऐसे थोड़ी है कि यहाँ आओ काली बसा गंदा आधा टाइम दिया आप फिर जैसे हो वैसे हो, नहीं तो फिर आने का फायदा ही क्या है। फायदा यही है कि इन पांच विकारों को कैसे जीते, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कंटो ऐसे नहीं हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है या हमारा ऐसा है, नहीं उस आदत के ऊपर तो अपना कंट्रोल देना है ना। तो अटेंशन, और अटेंशन के लिए युक्ति भी बाप बतलाते हैं कि बच्चे कैसे अटेंशन रखो, हर वक्त अपने को सोल कॉन्शियस रखो, आत्मा निश्चय रखो कि आई एम सोल। ये तो इजी है ना, सोल समझने से सुप्रीम सोल भी याद रहेगा कि सोल बाप कौन सा, सोल का बाप कौन होगा। जैसे अपना बाप हो तो बच्चा भी यहाँ भी कहेंगे वो भी तो मनुष्य है ना, तो याद रहेगा मैं बाप हूँ तो जरूर बाप के संबंध में बच्चा आएगा, बच्चा भी समझेगा मैं बच्चा हूँ, भाई भाई बच्चा किसका हूँ बाप का हूँ, तो बच्चा तो बाप जरूर याद आएगा। बच्चा और बाप, बाप और बच्चा, बाप बच्चे से संबंध रखते हैं, बच्चा बाप से, बच्चा आखिर निकलेगा कहाँ से, भाई बच्चा हूँ तो बाप से ही तो बच्चा कहने में आता है ना, तो जरूर बाप आएगा। आत्मा माना ही परमात्मा जरूर याद आएगा कि मैं आत्मा उसी की संतान, तो अपने को पहले वो निश्चय रखने का। तो ये है युक्तियाँ अपने को कैसे विकारों से छुड़ा के रखें, ये युक्तियाँ हैं। तो भाई अपने को सोल कॉन्शियस रखो, मैं आत्मा हूँ, कोई नहीं अच्छा हमको, देखो अभी किसी ने दो गाली दे दी समझो, कुछ बुरा कह दिया तो हम क्या समझेंगे, है तो बेचारी ये भी आत्मा, ये कोई दूसरी थोड़ी चीज है, ये भी आत्मा है। अच्छा इसने मुझे कहा तो अभी क्या हुआ मुझे, वैसे भी कहते संजय कहा लगा तुमको, हाँ किधर लगा बताओ, किधर चटका, तो इसने वो तो आवाज हवा में उड़ गया, चला तुमको क्या हुआ। परंतु सन्यासी भी ऐसे ऐसे मिसाल देते हैं, परंतु अपने पास तो रियल ज्ञान है कि चलो इसने कहा, ये तो आकाश तत्व से आवाज कहा, लेकिन कहा किसने, आत्मा ने कहा। अभी आत्मा जो करती है तो पाती है, हम क्यों उसका अपने पर सिर पर लेकर के, अगर इसके एक वचन से हम भी दो कुछ बुरा कह देंगे तो हमारा विक्रम बन जाएगा। हमारा तो काम है आप इसने भी जो विक्रम बनाए इसको भी प्यार से उसी विक्रम से बचाए, कोशिश करे तो हमारा तरस पड़ेगा ना, इसके पीछे हमारी भावना शुभ आएगी कि नहीं इन बेचारे का भी कल्याण करे, जो अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो करें, जो अगर करने की भी हिम्मत नहीं है तो चलो मैं अपना तो फिर कोई कुवचन दे करके इनका हानि तो न करूं ना, या अपनी हानि तो न करूं ना। तो क्या होगा कि ये हर वक्त ख्याल रहने से कि ये भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, ये ध्यान रहने से तो आत्मा का जो ज्ञान है ना वो बुद्धि में रहेगा कि ये आत्मा के संस्कार है, अभी उसके संस्कार के साथ मेरा संस्कार तो शुद्ध, मुझे तो शुद्ध रखना है ना, मुझे तो अशुद्ध संस्कार में आना है, तो मैं अगर आत्मा पर अशुद्ध संस्कार में आऊंगी तो मेरा विक्रम बन जाएगा। तो वो आत्मा की सारी नॉलेज रहेगी ना बुद्धि में, तो हम अपने विक्रम बनाने से बचे रहेंगे। तो ये बुद्धि में हर वक्त रहना चाहिए अपने को आत्मा निश्चय। तो ये देखो युक्ति हो गई ना अपने को विक्रम से बचाने की, तो कोई भी बुरा काम हम हाथ से भी कोई बुरा काम ना करें, मुख से भी कोई बुरा, क्योंकि मुख भी कर्म में आ गया, मुख चलाया तो विक्रम बन गया। हाँ बाकी मन से कोई उल्टे किसके संकल्प चलते हैं उसका विक्रम नहीं बनता है, लेकिन आज टाइम वही अगर हम बाप को याद करें तो सेफ हो जाएगा, वेस्ट तो गया ना। परंतु विक्रम से तो पहले बचना है, मुख को और कर्म को चलाना नहीं है, क्योंकि ये कर्म में खाता आ जाता है,
बुक चला, खाता बन गया, उल्टा बोला तो उल्टे का, सुलटा बोला तो सुलटे का, खाते में तो आ गए ना, तो सब हलना है। इसीलिए जरा सहनशील, हाँ ये भी गुण है ना, धीरेता, हाँ गंभीरता। और हम देखो कितने बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़े शानदार बाप के बच्चे हैं ना, तो हमारा बोल चाल बड़ा रायल शानदार। और उसी शान से देखो, जो शान वाले बच्चे होते हैं कितने शान से उनके बोल चाल, तो वो तो है बाहर के जिस्मानी मेहनत, अपने पास तो रूहानी है ना, कि हम आत्मा उसी परम पिता परमात्मा की संतान है। हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, हम कितने रायल होने चाहिए, तो अपनी फिर रॉयलिटी वो भी रखनी चाहिए ना, रूहानी श्रेष्ठ रॉयलिटी, तो ये भी सभी अपने पास ध्यान रखने का चाहिए। इसीलिए कोई भी किसी के को हमारे से दुख पहुंचे ऐसा कुछ बोल न करना चाहिए। कोई भूल भी हो जाए ना, बोलते थे आई एम सॉरी, इसीलिए इनके ऊपर भी पूरा अटेंशन होना चाहिए कि ऐसा कोई बोलचाल न होना चाहिए। और समझो कोई ने बोला भी तो दूसरे को भी क्या समझ रहा, क्योंकि यहाँ आते तो हो ना सब, तो चलो किसी ने तो ऐसा कोई वचन बोल भी दिया तो भी उनको फील नहीं करना चाहिए, फिर दो अम्मा हमारे को फील हुआ उसने ऐसा क्यों कहा, तो ये फील हुआ तो उसका मना उस समय आत्मा निश्चय नहीं है ना, क्यों फील कर, फील कौन कर करती है हा? आत्मा पर उसी समय आत्मा को ज्ञान नहीं है कि मैं किसकी संतान हूँ, अगर ये ज्ञान होता तो वो फील नहीं करता, तो इसको कहेंगे दे अभिमान, अपने को समझते मैं ऐसा हूँ, इसने क्यों कहा, इसने और मैं, इसने और मैं, तो वो बॉडी कॉन्शियस हो गया ना, तो वो बॉडी कॉन्शियस हो गए फिर फील होगा, फिर वो दे अभिमान आने से फिर या तो उसे रुक जाएंगे या कुछ एक दो अक्षर बोल देंगे, फिर ऐसी ऐसी बातें हो जाती है ना। तो ये सभी जो बातें हैं दे अभिमान में, इसका कारण सबका है दे अभिमान, बोलना भी दे अभिमान से, फील होना भी दे अभिमान से, है तो सब देह का अभिमान। तो बाप कहते बच्चे इसे डिटैच हो जा, देह का अभिमान छोड़ो, अब देह ही आत्मा का अभिमान रखो, यानी आत्मा में परमात्मा की संतान को शुद्ध अहंकार रखो, ये अशुद्ध सब छोड़ो, तो अभी छोड़ना चाहिए ना उसको। इसीलिए इन सब बातों की भी धारणा अच्छी बुद्धि में रखने की चाहिए, ये खाली सुनने का तो ज्ञान नहीं है ना, प्रैक्टिकल। तो सारा दिन अपना चार्ट रखो कि मैंने आज किसके साथ कोई ऐसा वचन तो नहीं बोला, मेरे आज के दिन में कोई ऐसी भूल तो नहीं, क्रोध अवश्य या लोभ अवश्य या मोह अवश्य या कोई भी विकार अवश्य तो हुई तो नहीं, तो ये सभी अपना अटेंशन रखना चाहिए और अपने में पूरा अच्छी तरह से वो प्रधारणा रखनी चाहिए, तो नहीं मैं फिर ऐसा कोई काम न करूं जो किसी को दुख हो। तो ये अपना सारा चार्ट, इसको हम कहते हैं दिनचर्या चार्ट, ये सब रखना चाहिए अच्छी तरह से, तो फिर क्या है ऐसी ऐसी कर कर करके धारणा बढ़ेगी। नहीं तो अगर धारणा का पूरा नहीं होगा तो फिर हमारे वही कर्म चलते रहेंगे, तो हम फिर वो आगे तो नहीं बढ़ पा सकेंगे ना। तो ये सभी चीजों का है जिसका पूरा अटेंशन अपने में रखना चाहिए और उस अटेंशन से अपने को चलाना चाहिए। तो ये सभी बातें जिससे हमारा खाता रोज का बनता है। देखो हमारा रोज का खाता क्या बना, रोज का खाता हमारा अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, तो जैसे वो खातेदार होते हैं दुकानदार, हमारा जमा क्या हुआ, खर्च क्या हुआ, हा? देखते हैं रोज। तो आप भी अपना रोज का कोतामेल देखो कि हमारा कितना खाता मिटा, कितना खाता बना, जो बना वो अच्छा बना, फायदे में बना या नुकसान में बना या घाटे में बना, हा? देखना चाहिए ना। तो हमारा चार्ट ये रोज का अपने पास हर एक को रखना चाहिए, तो कोई विकार अवश्य, क्रोध अवश्य, लोभ अवश्य, ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ, तो अपने को संभालना चाहिए। ऐसी संभाल करने से ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे और बढ़ कर करके कुछ पाएंगे। और फिर भी देखो आते हैं सब, तो भी फिर हमें कहा जाता है कि ऑलवेज सी फादर, जो हमको जहाँ से मिल रही है शिक्षा हमको उसको देखना है, कोई की नीची ऊंची बात में हमको नहीं फंसना है, पुरुषार्थी है ना सब, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में कोई नीचा भी है कोई ऊंचा भी है, तो इसमें हम कहें कि इसने ऐसा क्यों किया, ये इतने बरस से आता है यहाँ ऐसा, तो उसी को देख कर करके हम जो पढ़ाई ले रहे हैं बाप से उसको हम छोड़ देवे या उससे अपना हाथ हटा देवे, तो वो तो नुकसान हमको पड़ेगा नहीं, ऐसे थोड़ी है हुआ आपस में कुछ और रूठ जाए हम पढ़ाने वाले से, उससे क्यों रूठे, अभी स्टूडेंट होते हैं आपस में कोई बात में टक्कर हो जाए, अगर स्कूल या टीचर को छोड़ देगा तो क्या होगा, उसमें तो चला एक स्कूल छोड़ेगा दूसरा स्कूल मिलेगा, यहाँ तो पढ़ाने वाला परमात्मा का एक ही स्कूल है, छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा,
इसीलिए ये सभी जो ख्याल आते हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि चलो आपस में किसी बात में किसी ने कुछ कहा या कोई ऐसी बात की टक्कर हो गई, तो उसमें टक्कर कर करके हम उसी का हाथ छोड़ दें और अपनी जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है जिससे हमारी इतनी उन्नति है, उसको अगर हम छोड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? हाँ, छोड़ने वाले को होगा ना। इसीलिए ये भी समझ है कि यहाँ किया आपस में और हाथ छोड़ा उसका, तो उसने उसने क्या गुनाह किया, या उसका पढ़ाई छोड़ा तो नुकसान तो अपना हुआ ना। तो अपना नुकसान करना ये भी तो समझ की बात नहीं है ना। तो ये सभी बातें जो समझनी चाहिए कि चलो आपस में कोई बात की अनबन या समझो कोई ऐसी बात, ये भी हम समझते हैं कोई कर्म का हिसाब है, हाँ इसके साथ हमारा कोई हिसाब है इसके साथ, तो कभी कभी कोई बात में समझो कोई टक्कर भी पड़ जाए, पर उसके कारण हम पढ़ाई छोड़ दें या रूस जाए या कोई यहाँ रूस कर करके पढ़ाई और उसका संग छोड़ दे, जिसी संग से हम इतनी उन्नति पहनते हैं, तो उसमें नुकसान तो अपना होगा। तो ऐसा ऐसा नुकसानों से अपने को बचाना चाहिए, तभी हम अपना सौभाग्य पा सकेंगे। हमको जो चीज लेनी है हमारा टेंशन उसमें होना चाहिए, हमारा काम क्या है हम वो गुण ग्रहण करें, हम वो चीज ले रहे बस, बाकी चीज जो अगर तुम्हें अच्छा किसका नहीं लगता छोड़ दो, दूसरे का किचरा अपने पॉकेट में बुद्धि में क्यों डाल दे, हा? अपना पॉकेट क्लियर रखो, साफ रखो, कोई का किचरा है तुम क्यों उठाते हो, वो समझो चलो वो भी बेचारे किचरे को निकालने के लिए मेहनत कर रहा है और जो करेगा सो पाएगा, हम दूसरे का किचरा खाली पीली क्यों डाले, उसका ख्याल नहीं करो। तो ये समझ होनी चाहिए ना। बाकी जो जड़ी जड़ी बात, इसने ऐसा कहा इसने ऐसा हुआ ये हमको फील हुआ या ये हुआ, तो फिर ऐसे फील करने हाँ देह अभिमानी होके रहेंगे तो फिर आगे भी तो नहीं बढ़ सकेंगे ना। तो ये सभी देह अभिमान है, इनको कहा जाएगा देह का अभिमान कि मैं फलाना हूँ, ये तो भूल गया मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये तो भूल गया ना मैं फलाना हूँ, कोई मुझे ऐसा कहा ऐसा हुआ तो फिर ये तो देह का वन, तो इससे कोई विकर्म भी नाश नहीं हुए और पाप बनते चलेंगे। तो ये है सभी पाप बनाने की बातें, और पापों से छूटने की बात फिर ये है कि हमको देही अभिमानी यानी आत्मा निश्चय और हम परम पिता की संतान, हम काय के लिए किसी का ये सब किचरा अपने पास डाले, तो उसी में हम साफ होते जाएंगे और साफ होते निकल पड़ेंगे बाहर हाँ किचरे से एकदम, नहीं तो कीचड़ में किचरा और जमा होता जाएगा और दुखी होते जाएंगे। तो ये भी सभी चीजें है ना जिसको अच्छी तरह से समझना है, ये तो ये है शिक्षाएं जिसको भी अपने पास अच्छी तरह से रखना है और इसी से तो अपने को बनाना है ना। बाकी तो ज्ञान समझा, चलो ज्ञान भी किसको कोई समझा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा चाहिए ना, दे अभिमान छूटना चाहिए, अशुद्ध अहंकार है ना ये पहला ही पहला वो निकलना चाहिए, और उसके साथ सभी विकारों को उसके ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से धारणा में लाना चाहिए। एक क्रोध भी एक बहुत बड़ी है, दिनचर्य का भी पालन कर जाएंगे लेकिन क्रोध की है ना उसमें भी पूरा अटेंशन चाहिए कि हाँ किसी से नुकसान बहुत करते हैं अपना भी। देखो आएगा कोई क्रोधियों का तो पहले तो अपना जी जलेगा अपने के अंदर होगा, फिर दूसरे को ठोकेगा कुछ तो उसका भी जी जलाएगा, तो अपना भी जलाना दूसरे का भी जलाना फायदा ही क्या है, तो ये हानि है। तो ये हानिकारक जो बातें ना उसे छूटना चाहिए, ये दुख देना ये पाप है, तो ये सभी पाप कर्म से अपने को बचाना है, तभी तो हम पापों से मुक्त होंगे ना, नहीं तो पाप बनाते जाएंगे, और सभी ज्ञान में होते अगर बनाते हैं तो उसका 100 गुना 10 गुना ज्यादा दंड पड़ता है। समझदार अगर कोई बुरा काम करेगा ना तो समझू के ऊपर दंड ज्यादा है, बेसमझ अगर कहेंगे हाई बेअकल बेचारे को पता ही नहीं है तो उसके लिए इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन समझदार के लिए तो सजा है नहीं बहुत, तो समझदार को तो और ही खबरदार है ना। तो अभी आप समझदार बनते हो ना, हाँ समझदार के बच्चे समझदार हो, तो अभी जब समझ मिली है तो खबरदार है ना, पर तो उसका ये मतलब नहीं है तो उसे बेसमझ रहे तो अच्छा ही है, नहीं बेसमझ है तो उसमें तो पापों में पड़े ही रहेंगे ना, वो तो धर्मराज के डंडे खाने ही पड़ेंगे खाते ही रहेंगे, तो खाने से क्या फायदा है, तो फायदा थोड़ी है न पद मिलेगा, मोचरे भी खाते रहेंगे, और इसमें हम मोचरे से भी छूट सकते हैं, पद भी अच्छा स्टेटस भी अच्छा पा सकते, तो फायदे की बात लेनी चाहिए ना। तो ये सभी चीजें हैं जो अपने पास अच्छी तरह से रखो और धारण करो, और जो जो बुरी बुरी आदत हो ना वो निकालो, किसमें विशेष क्रोध होता है, किसमें विशेष काम विकार होता है, किसमें विशेष मोह होता है, किसमें कोई बात होती है, हाँ पांचों में, तो अपने में जो विशेष हो ना निकाल देना चाहिए जल्दी से, विशेष चीज तो निकाल देने के, क्योंकि ये तो सीधे सीधे विकार है ना,
वो निकाल देंगे फौरन कट ऑफ। और उसमें भी ये सभी शिक्षा मिलती है कि हाँ ये सब बातों को जितना जितना रखेंगे उतना उतना तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ रहेगी और योग अच्छा बैठेगा, ज्ञान अच्छा बुद्धि में बैठेगा। अगर ये सभी विकारों की होंगी तो ज्ञान योग नहीं बैठे, योग लग नहीं सकेगा तो और भी पाप नाश नहीं हो सकेगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से बुद्धि में रखते अपना पुरुषार्थ रखने का। तो ये भी धारणा की यहाँ पॉइंट देनी पड़ती है कि जब आते हो तो अपने को कैसा स्वच्छ और कितना अपने को हाँ बनाना है ये गुणवान, तो ये भी तो सभी रखने की है ना। और यही हमारी है प्यूरिटी का मतलब ही क्या है, इन्हीं को तो निकालना है ना। इसी से तो प्योर बस इम्प्यूरिटी तो यही है ना, बाकी इम्प्यूरिटी थोड़ी है कि कपड़े छुए नहीं हाँ साफ करना या पानी नहाया या ये किया नहीं, यही इम्प्यूरिटी आत्मा को यही तो इम्प्यूरिटी बनाने की चीज है, उससे हमको साफ रखना है अपने। इसीलिए कहते हैं ये रोज ज्ञान स्नान करो भाई, ये स्नान से तुमको वो रिफ्रेश रहेगी बुद्धि, सारा दिन टेंशन रहेगा आज हम सुबह को क्या सुना, हमको आज क्रोध नहीं करना है, आज कोई मोह में या लोभ में या कोई भी विकार बस हमको नहीं जाना है, तो टेंशन रहेगा। इसीलिए फिर जोर दिया जाता है भाई रोज आओ, जैसे वो नाना भी रोज होता है तो इसीलिए सुनेंगे तो रिफ्रेश। अभी 10 दिन कोई नहीं आएगा ना, अरे 3-4 दिन भी देख लेना आएगा ना, वो बुद्धि एकदम हो जाएगी पलट जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है जैसा सब वैसा रब, कोई देख लेगा 4-5 रोज ना आए ना तो वो जो है ना आनंद, वो जो रिफ्रेश, वो जो रहता है उमंग अपने जीवन में ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए संग की भी जरूरत है तो रखना चाहिए। बाकी कोई के कारण अपना पढ़ाई छोड़ देना या संग छोड़ देना ये तो अपने नुकसान है नहीं, जो करेगा सो पाएगा, हम लोग अपना फायदा लेते चलना है। बाकी कोई कह के नहीं मैं घर बैठे फायदा ले लूंगा, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई हमारे पास क्योंकि अनुभव है ना, जब तक संग नहीं है ना वो ऐसे बहुत कहा कि हम घर में कोई रहते तो दिखाए कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल भाई घर में ऐसे ही रहे, बड़ा मुश्किल है, संग जरूर चाहिए। और कहा भी है ना जैसा संग वैसा रंग, ये क्यों कहा हुआ है, तो संग का भी तो प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ है पांचों विकारों के छुड़ाने का फोर्स, क्योंकि माया से छुड़ाता है ना, बाप आकर के कम्प्लीट पवित्र बनाता है, तो इसीलिए यहाँ इन बातों के ऊपर जोर दिया जाता है और उन्हीं के छूटने से तो हम अच्छे बनेंगे ना। बाकी धीरे धीरे आस्ते 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 करते 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 तो देखो काले पड़ते गए सांवरे एकदम, अभी तो गोरे होना है ना एकदम सांवरे से बिल्कुल गोरा। बाकी हम देखो आज सुंदर से शाम बनने में तो देखो आधा कल हम शाम बनते आए, शाम आना काला, आस्ते आस्ते काला होते 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 अभी तो बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, भले शरीर से गोरे हो लेकिन हो तो गए नहीं काले, यानी आत्मा इम्प्योर, तो शरीर भी इनके भले आज यूरोपियन से बस गोरे हैं परंतु देखो शरीर में रोग ये सब कर्म की भोगना की माना खाते में तो गिरे, वो तो करके ठंडे मुल्कों में रहते तो इसके इंसाफ है, तो क्या हुआ गोरापन थोड़ी है, वो गोरा माना एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, वो कहाँ है चीज वो तो नहीं है ना। तो ये सभी चीजों को समझने, तो ऐसी सभी बातों को समझ से अपने पुरुषार्थ को ऐसा कर समझा हाँ। अभी ऐसे ऐसे बनेंगे हाँ अच्छे अच्छे खुशबूदार, तो हाँ बाप भी कहेंगे ऐसे फूलों की खुशबू लेना अच्छा है हा? तो खुशबूदार बच्चे बनना है ना, खुशबू माना ये गुणों की खुशबू से खुशबू आएगी, तो बाप भी अपने गले की माला उसको बनाएंगे हा? तो कहते ना वैजंती माला रुद्रक्ष माला, तो हमको रुद्र के माना आत्माओं की वैजंती जो हाँ विजय प्राप्त करके जीवन मुक्ति की माला भी है ना हा? तो वो देखो हम जीवन मुक्ति की भी स्टेज को प्राप्त करती है और वो है आत्माओं की, आत्माओं में भी हम नंबर आगे, तो इसीलिए बाप कहते हैं अपने को आगे करो, रुद्रक्ष माला में भी आगे करो तो हाँ वैजंती माला में भी आगे करो और अपने को ऐसा लायक बनाओ, तो बनाना चाहिए ना। तो खुशबूदार बच्चों को बाप भी अपने गले लगाएगा अर्थात अपने समीप करेगा, कैसा हमारे वाधु शेर जी है, वाध में चलना है हा? घाटे में नहीं चलना है, अभी घाटे का दिन पूरा हुआ अभी हा? अभी हमारे को अपना वृद्धि करना है, ठीक है ना, उसीलिए अपने वृद्धि में लगे रहो। कैसे हमारे ये बुजुर्ग, इसका नाम क्या है हमारे हा? ये जो है नहीं नहीं तुम्हारे पीछे बाबू राम, अच्छा बाबू राम, देखो नाम भी बाबू राम हाँ, अभी सच्चा सच्चा बाबू राम बनना है हा? राम निराकार परमात्मा को कहा जाता है ना, अभी बाप तो वो है लेकिन मास्टर को भी कहते हैं ना, फलाना भाई इसका बच्चा है तो मास्टर फलाना, तो वो भी अभी सच्चा सच्चा उसका बच्चा बनना है हा? एक बहुत अच्छा है, अच्छा
अभी टाइम भी हुआ है आप लोगों को थोड़ा टाइम पर छोड़ते हैं, छुट्टियाँ बुटियाँ नहीं है, बता नहीं बच्चों बच्चों के शायद इम्तिहान है या क्या है, तो थोड़ा आपने और संभालना है, घर गृहस्थ का भी संभालना ही है, ऐसे तो नहीं ना, दोनों काम करना है, परंतु हाँ श्रेष्ठ कर्म से करना है। वो कॉमन गृहस्थी तो चलाई, वो तो जानवर पक्षी पशु भी चलाते हैं, लेकिन अपने कर्म को श्रेष्ठ रख कर करके चलाना, तो कर्म श्रेष्ठ को भी सीखना है, समझना है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी चीज है, उसी को लेकर के चलने से हमारी प्रवृत्ति का आदर्श ऊंचा रहे, तो वो भी बनाना है। अच्छा, ऐसा बाप और दादा जिसका बैठ कर करके हमको आदर्श दिखलाते हैं कि यहाँ किस तरह से मनुष्य को क्या करने का है, तो ऐसा अपना आदर्श बनाना है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत था, ऐसे समझदार हा? और सियाने और कोई भी पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता, ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड डे गुड इवनिंग एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल रखना है, क्योंकि बैड माया बैठी है ना तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा नहीं, हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे, भाई बैड है थोड़ी जो गुड तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, अभी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है उसकी और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना और सारा दिन अपना जो अच्छे है ना वो रखो अपने पास डायरी चार्ट, सारा अपना देखो याद का भी वो टेम्परेचर देखो कि हम सारा दिन में कितना परमपिता परमात्मा को याद किया और सारे दिन में कौन सा कर्म हमने रॉन्ग किया कौन सा राइट किया, वो नोट रखना चाहिए, तो ध्यान रहेगा कि फिर हम ऐसा न करें, तो ये सब कीचड़ पट्टी तो निकालने की है ना। अच्छा चलो।